जो बाहर माशरे में निकल के अब्यूजमेंट का शिकार होते हैं, चाइल्ड अब्यूज का, वो हमें यानी कि घरों से ही शुरू हो जाता है। हमारी भी तख्ती थी हमारे घर में जब हम रहते थे, तो कसरे अनीस हमारे अपने घर का नाम था। जो घर से छोड़े तो फिर गुरु मिला ना, तो गुरु वाला रिश्ता वो भी कमजोर निकला। घर जो हम अपना बना रहे थे कि चलो वो घर हमारा नहीं बना तो यहाँ हमारा अपना घर बन जाएगा, मगर वहां मिला एक डेरा, एक कोठा। अब उस जो पहले वो घर में से रोक टोक की इज्जत नहीं थी, और जहाँ हमने आके अपना रहना शुरू किया वो पहली बदनाम गलियां थी, सब कुछ एक गुनाह की सूरत में जा रहा था। तो जाहिर है आप जब गुनाह करते हैं तो सिर्फ गुनाह करते हैं, मगर आपका दिल जरूर बोलता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लका घर देखा, अपने हजूर पाक का रोज़ मुबारक देखा, महसूस किया वहां जाके आबे जमजम से नहाई, काबे में गया था ना जाके, फिर आबे जमजम से नहाना भी पड़ता है, पीना पड़ता है, फिर वो बाल उतरवा के, तो एक नया सा जैसे बच्चा नहीं पैदा होता, वहां बिल्कुल नई पैदा हो गई। और फिर जब जाके दरवाजा अल्लाह ताला का खटखटाया, तो वहां दिल से यही निकली कि या अल्लाह अभी भी मैं जाके नाचूं या गाऊं, ख्वारसरा होना तो ये बिल्कुल एक गाली है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लका घर देखा, अपने हजूर पाक का रोज़ मुबारक देखा, महसूस किया वहां जाके आबे जमजम से नहाई, काबे में गया था ना जाके, फिर आबे जमजम से नहाना भी पड़ता है, पीना पड़ता है, फिर वो बाल उतरवा के, तो एक नया सा जैसे बच्चा नहीं पैदा होता, वहां बिल्कुल नई पैदा हो गई। और फिर जब जाके दरवाजा अल्लाह ताला का खटखटाया, तो वहां दिल से यही निकली कि या अल्लाह अभी भी मैं जाके नाचूं या गाऊं तो फिर इसमें मेरा कसूर नहीं होगा, मैं तो लास्ट हद तक आ गई हूँ। यानी कि पीर पैगम्बरों के फकीरों के दरों पे जा जाके तो लास्ट तुम्हारे पास आई हूँ, तो फिर मैं नाचूं तो फिर मेरा कसूर नहीं, मुझसे सवाल नहीं पूछना फिर। तो ख्वारसरा होना तो ये बिल्कुल एक गाली है ना। ये तो लकब हमें मिले हैं ना बाद में, किसी ने शीमेल का, किसी ने दनाना का, किसी ने इजड़ा का, किसी ने खुसरा का, वो ये सबके एक ही नाम है, यानी कि बुराई का एक नाम है। मुल्तान में पैदा हुई, मुल्तान से मैं निकली लाहौर, लाहौर से फिर आई इस्लामाबाद, और इस दौरान में मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा सर्कस के साथ, मौत के कुएं में डांस करते हुए। सब जगह यही थी कि उन्हें जो घर से निकलने के बाद एक पॉइंट चाहिए था। अब वो पॉइंट पहले ही यही है सबक गुरु गिरी और गुराई का, कि भाई ये चीजें आपने करनी, दीन पैसा, ईमान पैसा, प्यार पैसा, हर चीज पैसा है, वो तवाइफ वाले डायलॉग पीछे, वो बड़े तमाशबीन। तो वो सारा सिस्टम जब देखा तो एक पॉइंट चाहिए था ऐसा जहाँ पे हमें कुछ शेल्टर मिल जाए। हमारी भी तख्ती थी हमारे घर में जब हम रहते थे, तो कसरे अनीस हमारे अपने घर का नाम था। मुझे यानी कि वो जो चीज़ें जो बाहर माशरे में निकल के अब्यूजमेंट का शिकार, चाइल्ड अब्यूज का, वो हमें यानी कि घरों से ही शुरू हो जाता है, और उसका तस्करा तक नहीं किया जाता। कितनी बड़ी बात है कि आप इतनी बड़ी एक ज़िंदगी में चीज़ होती है, बच्चे के साथ ज्यादती होती है, तो उसको छुपा दिया जाता है, और उसकी वजह से उनकी इज्जत वहीं से बुनियादी तौर पर ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो गुरु वाला रिश्ता वो भी कमजोर निकला, थोड़े दिन में गुरु से भी मुंतकली हो गई, और गुरु, फिर थर्ड गुरु, फिर चौथा गुरु, इतने सारे यानी कि गुरु में वो आगे से आगे निकल गए। क्योंकि आपने जो कानून बनाए हैं वो अगर यहाँ पे अभी गवर्नमेंट के आगे पेश किए जाएं तो कहेंगे या तो आप रियासत के अंदर रियासत बना के बैठ गए। और यही है आज चार गलियां नाम की जाती हैं ख्वारसराओं के, जिस ऐसे से उसके पैसे लेन देन होता है, चेलों का हिसाब किताब होता है, चेलों के पैसे मुकर्रर है। यानी कि आप इंसान को बेच भी रहे हैं उसके अंदर, खरीद भी रहे हैं, और जो जगह आपके पास जायदाद बन गई है उसकी भी बोली लग रही है। और वो क्या है कि वो गलियां गलियां फेरना, वो चार गलियों में मांगना, तो ये तो अब यानी कि और फैसले जिरगे में करने, अदालत में नहीं जाना, थाने कचहरी में नहीं जाना, ये हमारे बरादरी का पक्का असूल है कि जो कुछ होगा चटाई के अंदर होगा, जो फैसला होगा यहाँ पे होगा। मैंने गुरु को देखा, उसके चार बच्चे थे, वो सिस्टम फिर समझ नहीं आया मुझे है। एक गुरु को देख रहे हैं वो कुदरती ख्वारसरा है, पैदाइशी है। अब जब वो देखा अंदर डीपली जाके तो वो भी कुदरती ना निकला,
इधर गुरु के भी बच्चे हैं, और जो जिसको मैं ख्वाजा साहब मान रही थी कि ये फकीर लोग हैं, पैदाइशी लोग हैं, ऐसे होके, तो वो भी मेरी तरह ही निकले। तो उस स्टेप पे जाने तक मैंने एक दफा सोचा, जब गुरुओं ने सबने कहा कि भाई तुमने ये जिंदगी, तुम्हें अगर असली खुसरा बनना है हमारे पास आना है, नहीं तो सर नाचते रहोगे, सेक्स वर्किंग में जाएंगे और ये भीख मांगना है यहाँ पे, तो नाच गाना है वो हम नहीं करते, हम राजी नमाजी, हम जो चीज हमें तंग करती थी जो मर्दानगी, वो हमने खत्म कर दी। और उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक दफा सोचा, घर अम्मी का ख्याल आया, अब्बू का ख्याल आया, मेरे माँ बाप जो फौत होंगे उनसे नदीम के बारे में सवाल पूछा जाएगा कि खुसरे का पूछा जाएगा। देखिए जब सब जगह छोड़े आखिर में एक जगह आप जब आप स्टॉप करते हैं तो सिर्फ आपको माँ याद आती है, अल्लाह याद आता है। अल्लाह के साथ डायरेक्टली मैंने कहा ये बात तो कह के जाऊँ ना कि मैं छोड़ना चाहती हूँ, और फिर भी अगर जाऊँ तो उन्होंने कहा ठीक है, वापिस आई हूँ, घर पहुँचती हूँ, अम्मी को मिलती हूँ, अम्मी की भी मांगी थी, मेरी अम्मी बीमार शुगर की मरीज और ये सब थी, तो मैं कहती वो सेहत याद, एक छोटी बहन थी उसकी शादी रहती थी, अच्छा उसका जेवर वेवर भी मैं साथ वहाँ सऊदी अरब से ला रही हूँ, सब चीज़ें अल्लाह मैंने सब चीज़ें मुझे दे के भेजा ना, जो जो मैं ख्वाहिश कर रही थी ना वही भी ख्वाहिश मेरी पूरी होती जा रही थी। मैंने कब तो नाचूंगी भी नहीं, टिंड भी की हुई है, बाल भी नहीं है, सीधी परी माम आई यहाँ के, वो बाबा जो था वो मेरा फौत हो गया था, उसकी कबर बनाई और फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा चलो अब मैं अपनी ड्यूटी देती हूँ, सब कुछ है, मैंने क्या करना है। वो देखा तो मेरे भाइयों का फ़ोन आ गया कि अम्मी को संभाल लोगे, अम्मी को हम आपके पास भेज रहे हैं। अब एक भाई लंदन में, एक रशिया में जा रहा है, तो एक मुल्तान में, वो संभाल नहीं रहा माँ को, वो फ्री, आठ बहन भाइयों की माँ अकेली। उन्होंने कहा भाई मैं उस इतने सालों से ये इंतजार कर रही थी कि मैं घर क्या, उन्होंने निकाला हुआ मुझे और इस वजह से डालने, तो इतनी बड़ी हस्ती मेरे हवाले कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो यहाँ पे डेरे पे बैठी हूँ बड़ी माम, मैं तुम डांस भी नहीं करती, तुम्हें फंक्शन भी नहीं करती, मजबूरन जी मुझे फिर वही घुंघरू बांध के नाचना पड़ा। वो अल्लाह की बात वाच कटकटाला याद आया, उधर जन्नत मेरे कदमों में मेरे पास ही आ गई, जिसकी खिदमत करके मुझे कुछ मिलना था, अब उसको तो पैसों से तंग नहीं कर सकती हूँ। फिर वो नाची हूँ तीन चार साल, चार साल वो मेरे पास जिंदा रही है, यही साहब बाद में फिर मैंने यही दफनाया, फिर यही बैठ गई। जैसी वो फौत हुई है उसके बाद ये नौकरी लग गई, और अब ये है कि इसका कोई किराया नहीं है, इसमें जो भी आता है रहता है बैठता है, उसको कमरा भी मिल जाता है। तो परी बाग का यही मकसद है मेरा कि ये उन लोगों की माजगा बन जाए जो ऐसे ख्वाबों की दुनिया में रहते मेरी तरह। तो मगर उस ख्वाबों को पूरा करने के लिए भी आपको ना अमली तौर पर कुछ करना पड़ता है, दुनिया भी एक ख्वाब की तरह ही है ना, आपने आए और चले जाएंगे, यहाँ पे रहने कौन आए हैं।